आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आचार्य प्रवर प्रोफेसर मनोहर पांडे जी, अग्रज प्रोफेसर रामदक्ष जी, हमारे अभिन्न प्रोफेसर देव शंकर नवीन जी, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, मदन कश्यप जी और शोध संवाद से जुड़े हुए सभी शोधार्थी मित्रों, इस केंद्र के दिल्ली विश्वविद्यालय के और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी कुछ होनहार शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन और स्वागत। नामों जी पर इस कार्यक्रम में मुझे ओपनिंग रिमार्क देना है, बहुत मुश्किल काम है ये मित्रों। किसी कार्यक्रम का कद इस बात से नहीं आंका जाता है कि वहाँ कितने लोग मौजूद हैं, बल्कि इस बात से आंका जाना चाहिए कि कौन लोग मौजूद हैं और ये कौन लोग ही मायने रखते हैं। और यहाँ के इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ जितने लोग मौजूद हैं वे अपने आप में एक संस्था की तरह हैं और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। मेरे लिए संकट यह है कि मेरे सामने मेरे गुरु जी प्रोफेसर पांडे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, विद्यमान हैं। रामभक्त जी नागौर जी के आरंभिक शिष्यों में हैं और मैं नागौर जी के अंतिम शिष्यों में हूँ, तो एक लंबा फासला और मेरी स्थिति आप सोच सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी की हैसियत से, एक शोधार्थी की हैसियत से, एक हिंदी साहित्य का छोटा मोटा अध्येता होने की हैसियत से नागौर जी के बारे में जो कुछ मैं अनुभव करता हूँ, दिल से जो मुझे महसूस होता है, कुछ भावनाएं साझा करना चाहूँगा। और उनमें से अगर कोई बात आपको छू सकेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा आना और मेरा कुछ कहना सार्थक होगा। साथियों, नागौर जी का कद और पद कितना बड़ा है ये हम सब लोग जानते हैं। मैं संस्कृत के एक आख्यान से अगर अपनी बात कहूं कि जैसे एक विशाल काय ऐरावत हाथी के सामने सात आठ प्रज्ञचक्षु लोचन विहीन व्यक्तियों को ले जाकर खड़ा कर दिया जाए और कर दिया गया और कहा गया कि आप इस ऐरावत हाथी के बारे में आप कुछ कहें, तो उन सभी ने उस ऐरावत हाथी के जिस जिस पक्ष का स्पर्श किया, जिस जिस अंग को उन्होंने जाना अपनी प्रज्ञा से, उतना ही कहा और कहा कि ये ऐसा हाथी होता है। मैं समझता हूँ हिंदी जगत में नागौर जी का कद वैसा ही है। और उसका आख्यान प्रोफेसर मनोहर पांडे करेंगे तो वे उनके साथ ही रहेंगे, उस हैसियत से करेंगे। रामभक्त जी करेंगे तो उनके बहुत करीबी शिष्यों में रहे हैं। मैं करूंगा तो मैं अगर करीबी नहीं तो दूर का ही सही, लेकिन मैं भी एक लव्य की तरह प्रोफेसर नागौर सिंह जी का एक छोटा सा शिष्य रहा हूँ, तो मेरी ये अपनी एक अलग सोचने की शैली हो सकती है। अलग अलग आलोचक जब उन पर बात करेंगे तो अलग ढंग से बात करेंगे, विद्यार्थी जब बात करेंगे तो अलग ढंग से बात करेंगे। मैं समझता हूँ नागौर सिंह के व्यक्तित्व को समग्रता में बांध पाना बहुत मुश्किल है। साथियों, मैं सोचता हूँ, अपने स्तर पर सोचता हूँ, अध्ययन करते हुए तमाम सारे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला, जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में जो मेरी थोड़ी सी भी जानकारी है, अगर हम सारे विद्यार्थी शोधार्थी मिलकर पूरे हिंदी जगत में, समूचे हिंदी जगत में श्रेष्ठ प्राध्यापकों की सूची बनाएं, सपोज ये कल्पना है, हो सकती है कि अगर हिंदी के श्रेष्ठ अध्यापकों की एक सूची बनाई जाए तो मेरा अपना ख्याल है कि वो नागौर जी कह रहे थे केशव प्रसाद मिश्र से वो शुरू होगी, आरंभ होगी और रामशंकर शुक्ल रसाल से चलकर
धीरेन्द्र वर्मा और आज के दौर में आते हुए डॉक्टर नगेंद्र, अब्दुल बिस्मिल्ला, केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर मैनेजर पांडे और उस पूरे वर्तुल में मैं समझता हूँ नामवर सिंह की स्थिति उस रुद्राक्ष की माला में सुमेरित कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि अध्यापक के रूप में प्रोफेसर मैनेजर पांडे साहित्य और इतिहास दृष्टि पर जितना प्रखर और प्रभावी ढंग से बोलते हैं पूरे देश में ऐसा कोई वक्ता नहीं होगा। केदार जी जिस तरह से आधुनिकता पर व्याख्यान देते थे मैं समझता हूँ वे लासानी है, बेजोड़ है, अंकमेय है। लेकिन नामवर जी की जो शैली है वो जो सर्वग्राही है, सर्वव्यापी है और सभी विषयों पर जिस तरह के व्याख्यान, जिस तरह की पकड़ नामवर जी की होती रही है वो मैं समझता हूँ दुर्लभ है। उनको देख कर लगता था वो पढ़ाते रहे हैं कि हुजूर में बुलबुल हुआ चमन में किया जो गुल ने जमा पैदा और कमी नहीं कदरदान की अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। वो कमाल पैदा करने की जो सलाहियत नामवर जी में है बस चूंकि मैं उनके व्यक्तित्व के कुछ अंश को आपके सामने रख रहा हूँ, साहित्य के लिए अगला सत्र है, उनकी आलोचना दृष्टि पर अगला सत्र है, इसलिए मैं बहुत ही ऊपरी और मोटी मोटी बातें जो मैं महसूस करता हूँ वो बता पाऊंगा। जो शोधार्थी जो शोध कर रहे हैं तमाम विश्वविद्यालयों में उनका और शोध निर्देशक का जो आपसी संबंध और रिश्ता होता है, तालमेल होता है, अकादमिक जो संबंध उनके बनते हैं उनके, उस तरह लिहाज से मैं कहूँ तो फिर वही बात आती है कि नामवर जी जिस तरह के शोध निर्देशक प्रमाणित होंगे या जिस तरह के रहे हैं वो अपने आप में दुर्लभ। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम विद्यार्थियों के साथ वे करते रहे हैं उतना आज मैं समझता हूँ बहुत कम शोध निर्देशक कर पाने की स्थिति में होंगे। ऐसे में जब शोधार्थी को सुपरवाइजर ये कहते हो कि लिख लो, कुछ दिन बाद आया बोला लिख लिया, बोला हाँ टाइप करा लो, बोले कि टाइप हो गया सर, टाइप करा लिया, ठीक है बाइंड करा लो, और बाइंड कराने के बाद कहते हैं जमा कर लो। ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कि बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर जो कहलाते थे अपने समय के उनके थीसिस को फाड़ कर फेंक देना नामवर जी के बुद्धि की बात थी। एक और बहुत बड़े प्राध्यापक, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ले गए दिखाने, नामवर जी ने कहा इसको दोबारा लिख कर लाइए। उन्होंने सोचा क्या ध्यान दिया होगा, उसी चीज को उसी मैटर को दो दिन बाद लेकर गए। नामवर जी ने देखा और बोला कि दोबारा लिख लाया, बोले हाँ तो ठीक है, और उनके सामने ही उसको फाड़ कर नजरे आतिश कर देने की अगर कुवत थी तो नामवर जी में है। तो इस तरह के और समय के पाबंद, मैं छोटा सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। मैं शाहरा रहता था, यहाँ आता था प्रतिदिन, नामवर जी से समय लिया, उनका कल 9 बजे आ जाना, समय के इतने पाबंद के 9 बजे आपको पहुंचना ही है। मैं बस बदलते हुए, मेट्रो नहीं थी उस जमाने में, अच्छी बसें नहीं थी, दौड़ते दौड़ते मैं सतलज के पास में रहते थे, गया 9 बजे, गया घंटी बजाया, वो आए बोले शंभुनाथ जी आज मुझे साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में जाना है तो कल मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस चला गया। अगले दिन फिर मैं शाहरा से चल के 9 बजे ठीक आया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि राजकमल का है कोई बहुत जरूरी उनकी मीटिंग है तो मुझे उसमें जाना है, तो आप कल आइए। मैं अगले दिन ठीक 9 बजे पहुंचा तो बोले कि आपको तकलीफ हुई होगी, दो बार आपको हमने लौटा दिया, कोई बात नहीं आप सतलज में ही रहते हैं इसलिए पास थे इसलिए आप हमने कह दिया। मैंने कहा कि मैं शाहरा से आता हूँ, तो उन्होंने बड़ा अफसोस किया, बोले कि आपके सारे दोस्त तो यही रहते हैं, हम तो उन्हीं के साथ आपको देखते हैं। मैंने कहा हाँ दोस्त तो रहते हैं लेकिन मैं शाहरा से आता हूँ। बोले तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा बताना क्या था, इसी बहाने आपके लगातार दर्शन हो रहे हैं ये कम बात है। बहरहाल जैसे ही हम लोगों ने बातचीत शुरू की, पांडे सर को तो याद नहीं है, उसी दौरान पांडे सर आ गए। मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूं कि शोधार्थियों के साथ किस तरह से वो मेहनत करते थे। पांडे जी बैठे होंगे, हालचाल जैसे ही हुआ उन्होंने कहा कि डॉक्टर पांडे
ये हमारे चौरासी सम्राट जी सागरा से आए हैं, मैं इनसे बातचीत कर लूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसी बीच में पांडे जी ने मुझसे पूछा कि विषय का काम कर रहे हो, मैंने बताया विश्व बंधुओं पर, तो आपने अपने विद्यार्थी गोपाल प्रधान का नाम लिया कि नवरत्न का भी काम कर रहे हैं और कुछ बहुत ज़रूरी सुझाव भी मुझे दिया। पांडे जी उठ कर चले आए, नागरू जी ने समय दिया था 1 घंटे का, मुझे पूरा समय दिया। और ये तो एक बहुत छोटी सी बात, इसी दौरान मेरी नौकरी लग गई, मैं अरुणाचल चला गया। मैंने कहा सर पैसे क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, आप अपना आई कार्ड रख जाएंगे, दुलावे जो है वो उसका रिकॉग्निशन करवा लेंगे, वो नवीनीकरण, और आप संडे संडे में मुझे फोन कर लीजिए और जब आप दिल्ली आएंगे तो मिलिए। मैं समझता हूँ ये मेरी अगर कोई एक व्यक्तिगत बात है तो केवल मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आज के दौर में बहुत तमाम सारे शोध निर्देशक शोधार्थियों का अगर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हों, ऐसे में नामोजी जैसा शोध निर्देशक होना बहुत दुर्लभ बात है। और इतनी मेहनत करना, और मेहनत तभी हम कर पाएंगे विद्यार्थी के साथ जब आप खुद उस विषय का, हाँ ये भी बड़ी रोचक बात है, मेघदूत के काव्यानुवाद मेरा विषय था, केदार जी मेरे शोध निर्देशक नियुक्त हुए, केदार जी ने कहा था आप इस पर काम करेंगे तो ये तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप नामो जी से बात कीजिए। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, उन्होंने कहा मैं कहता हूँ, इंटरकॉम से बोले कि विद्यार्थी है जरा बात कर लीजिए। मैं गया नामो जी के पास, उन्होंने कहा कि दोस्तों काम करोगे, मैंने कहा सर इस पर इसमें क्या आता है, आपने क्या पढ़ा है, मैंने बताया, बोले गए साथ काम कीजिए। आज जब एक शोध निर्देशक का विद्यार्थी दूसरे शोध निर्देशक को प्रणाम करते गलती से, तो वो शोध निर्देशक भी कहेगा अच्छा हम तुम्हें देख लेंगे और शायद कहीं ना कहीं वो कसर निकाल लेगा। इसलिए दूसरे शोधार्थी दूसरे शोध निर्देशक के पास जाने में डरते हैं, ये चीज डेवलप हो रही है। लेकिन बाहर जेएनयू का सेंटर के शोध निर्देशक अपने विद्यार्थी को स्वयं कह रहा है कि तुम जाकर नामोर जी से बात करो, और नामोर जी जरा भी हिचक नहीं करते और कहते हैं कि तुम मेरे साथ बात करो। ये उनका शोध निर्देशक का व्यक्तित्व है। मित्रों एक विद्यार्थी की हैसियत से ये साझा करना जरूरी था। जहाँ तक आलोचना में उनके तक का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि 50-60 वर्ष तक नामोर सिंह हिंदी आलोचना के लिए आवश्यक बने रहे। कोई भी संगोष्ठी, कोई भी सभा, कोई भी मंच नामोर जी के बिना पूरा नहीं होता रहा है। और आज भी मैं समझता हूँ जो लोग अपने वक्तव्यों को धार देना चाहते हैं, जो लोग सभा गोष्ठी सभा और सेमिनार में अपनी बात पर वजन जमाना चाहते हैं, वे नामोर जी के उल्लेख के साथ ही अपनी बात कहते हैं, बीच में भी कहीं ना कहीं उल्लेख कर देंगे, नामोर जी ने ये कहा, नामोर जी ने वो कहा, नामोर जी ने नहीं कहा, नामोर जी ने ये क्यों कहा, नामोर जी ने ऐसा क्यों कहा, इस तरह से अपनी बातों को, हाँ नामोर जी ने ये कहा था, भले नामोर जी ने कहा न कहा, ऐसी अस्थि बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो मित्रों इस कद के साथ इस बुलंदी पर इतने लंबे समय तक जमे रहना, बैठे रहना, सक्रिय रहना, मैं समझता हूं वो नामोर जी की बुद्धि की बात थी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि नजर नजर में बिखरना, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह वाह।